धर्मशाला पुलिस चौकी योल के तहत नरवाला चौक पर दिल्ली नंबर की अल्टो कार से दो टैक्सी, दो देसी कट्टे व एक पिस्टल और चार जिंदा राउंड के साथ साथ करीब 8,000 रुपए बरामद किए गए हैं। मामले में पुलिस ने फिरोजपुर पंजाब के चार युवकों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि पुलिस चौकी योल के प्रभारी ने नरवाला चौक पर यातायात चेकिंग व अवैध वस्तुओं की धरपकड़ के लिए नाका लगाया हुआ था। देर शाम को एक अल्टो कार जो चामुंडा की तरफ से आ रही थी, जिसमें चार युवक सवार थे, जिसे चेकिंग हेतु रोका गया, जिसमें सवार दो युवक मौके का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गए। दो को मौके पर ही धर दबोचा गया। गाड़ी की तलाशी लेने पर इस गाड़ी से दो देसी कट्टे, एक पिस्टल तथा चार जिंदा रौद बरामद हुए हैं। बाद में पुलिस ने फरार आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए आरोपियों में विक्रम सिंह पुत्र मुख्तियार सिंह निवासी बाल्मीकि मोहल्ला बीर साहिब गुरुद्वारा डाकघर गुरुहर राय जिला फिरोजपुर, सोनू पुत्र आशिफ निवासी जेली वाला डाकघर लाल कलौली तहसील व जिला फिरोजपुर, गौरव पुत्र चना सिंह निवासी गुरुकर्म सिंह बस्ती डाकघर पर तहसील गुरु हर्ष राय जिला फिरोजपुर व सुनील कुमार पुत्र जोगिंदर सिंह निवासी भारत नगर काशी नगर डाकघर बगदादी गढ़ बाजार फिरोजपुर शामिल है। आरोपी इन हथियारों को अपने कब्जे में रखने से संबंध कोई भी वैध कागज पुलिस के समक्ष पेश नहीं कर सके, जिसके खिलाफ इन चारों के खिलाफ पुलिस ने नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जा रही है। पुलिस पोस्ट के हमारे कर्मचारियों ने, पुलिस पोस्ट के इंचार्ज साथ थे उनके, इन्होंने नरवाना चौक पे नाका लगा के रखा था। रूटीन की ट्रैफिक चेकिंग भी हम लोग करते हैं और वैसे भी जो एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं उनके लिए टाइम टाइम पे सफाई चेकिंग भी की जाती है। जब नाके पे लोग थे करीब 5 बजे के आसपास, तब एक गाड़ी आई अल्टो नंबर, अल्टो जो कि दिल्ली के नंबर की थी, इसको इन्होंने चेकिंग के लिए इशारा किया रुकने के लिए, तो इससे क्या ये जो लोग थे वो एकदम सड़बड़ा गए और गाड़ी छोड़ के साइड में लगा के तुरंत मौके पकड़ लिए और दो लोग वहां से भाग गए। फिर इन्होंने इनका पीछा किया, दो लोगों को पहले ओवरपावर करके पुलिस पोस्ट ले आए और लोकल जनता की मदद से बाकी के दो लोग थे उनको पकड़ लिया गया। ये सारे फिरोजपुर के रहने वाले हैं। जब गाड़ी की चेकिंग की गई और उनकी पर्सनल सर्च की गई तो इसमें दो देसी कट्टे और उनके तीन राउंड्स और एक असेंबल्ड पिस्टल विद मैगजीन और उसका एक राउंड और इनके चार मोबाइल और करीब 8,000 रुपये इनके पास मिला है। एटीएम कार्ड भी है और गाड़ी की आरसी भी है, तो ये चीजें इनसे बरामद की गई हैं। अब इस पर हमने इनकी वेरिफिकेशन के लिए फिरोजपुर एसएसपी को रिक्वेस्ट की है कि इनके बारे में बताया जाए कि इनके ऐसे एंटीसीडेंट्स क्या हैं। इनमें से प्रिलिमिनरी जो पूछताछ है, प्रारंभिक पूछताछ, उसमें दो लड़कों ने माना है कि वो पहले एनडीपीएस में कैट में पहले भी जेल रह चुके हैं, तो एसएसपी फिरोजपुर को हमने रिक्वेस्ट भेजी है कि इनकी एंटीसीडेंट्स वेरीफाई करके हमें दें ताकि पता लगे कि लोग किस तरह की हैं, तो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग ही तो, लेकिन और इनकी क्या एक्टिविटीज हैं, इस तरह के अपराधों में इन्वॉल्व रहे हैं पहले से, तो वो इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ रही है। इन द मीन टाइम इसमें हमने आमदक में केस रजिस्टर कर दिया है और इनसे इनको मेडिकल के लिए भेजा गया है। एक जो लड़का था इनमें से वो कूद गया था, इसके पीछे पुलिस भागी और आम पब्लिक भागी थी, यहां से स्थानीय लोग तो जाके नाले में तरफ भागे थे, वहां तक कूद गया था, उसको भी मेडिकल के लिए ले गए कहीं इसको कूदने के कारण कोई चोट न लगी हो, और बाकी तीन को भी ले गए हैं। इनका मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद इनकी गहन पूछताछ होगी ताकि इनके ना कि इस एक्टिविटी के बारे में, बाकी और भी इनकी एक्टिविटीज क्या रही हैं उसके बारे में पता चल सके। सर प्राइमरी